A question. Draw the magnetic field pattern due to two bar magnets like this. Draw the magnetic field pattern due to two magnets shown. कैसा बिहेवियर होगा इन बिटवीन? What kind of magnetic field pattern will be there? Anyone? What? Converging from one side and diverging from the other side. In between. Tell me in the region in between. दो लाइक पोल हैं आमने सामने तो रिपल्सिव होंगी ना रिपल्शन हाँ इन बिटवीन इट विल बी रिपल्सिव सो ड्रॉ द पैटर्न लाइक दिस यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन द बुक्स एंड हैव यू सीन द सैंपल पेपर्स फॉर टर्म टू गिवन बाय सीबीएसई सैंपल पेपर्स फॉर टर्म टू हैव बीन रिलीज्ड बाय सीबीएसई सब्जेक्टिव पैटर्न है उसका ठीक है आपके पास है साइंस का कि शुड आई सेंड इन द ग्रुप स्टूडेंट्स कर दो मैम सेंड ओके आई विल सेंड टुडे तो आप ध्यान से उसको देखिए बोथ द चैप्टर्स आर देयर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ठीक है तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें ओके अब अगर ऐसे हो तो हाउ विल यू ड्रॉ द पैटर्न Now, how will you draw the pattern? Repulsive. Yes. Again, repulsive, but now see the direction of magnetic lines. North to south. So, they enter the south and start from north. North se bahar ja rahi thi, south se andar aayengi. So, keep this thing also in mind that for north pole, the lines will go outward and south mein enter karengi. So, this will be the direction of magnetic lines always. And if the magnets have been kept like this, then now what kind of pattern will be there now? Attraction. Attraction hoga aur bilkul wahi pattern banega jo ek bar magnet ka apna hota hai, wahi in dono ke beech mein bhi hoga. Like I showed you in that video, दो magnets के around iron powder डाल के मैंने आपको pattern दिखाया था अगर आपने video देखी है तो north to south, इन दोनों के बीच में भी ऐसे हो ठीक है इनका अपना field तो होगा ही होगा north to south, ये इस तरह से अपना field तो होगा ही होगा ठीक है वो तो होगा ही इन बिटवीन इनका भी वैसे ही सेम पैटर्न बन जाता इन बिटवीन ऑल्सो सेम पैटर्न विल बी फॉर्म्ड ओके सो आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन Two situations have been given to you. आपको बताना है कि in which case if a magnetic compass needle is kept at point P, ठीक है ये जितने भी P point हैं, in which case if a compass needle is kept at point P, which will show largest deflection, वो किस केस में होगा? चलो पहले A में बताइए, first में होगा कि second में होगा? Large
deflection in magnetic compass needle kept at point T will be in which case? In A case, first of all. Yes, Saksham. हाँ बताओ. M second case, because in second case current is more and force is directly proportional to current. Force. We are talking about force. We are talking about deflection. Ma'am. Means where more magnetic field is acting. We will see magnetic field. है ना? तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैग्नेटिक फील्ड का आपने? बिल साइन थीटा. वो तो फोर्स हो गया ना. फोर्स नहीं, आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला यूज करोगे ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. व्हाट इज दैट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट? कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? हाँ प्रिंस जी. मैम म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर. वेरी गुड, ये यूज करेंगे हम यहाँ पे. सो वील बी यूजिंग म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिस्टेंस है. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो इस केस में अब डिस्टेंस तो सेम है, तो ए पार्ट में हमारा ये डिपेंड करेगा करंट के अमाउंट पे. तो सेकंड केस में अमाउंट ऑफ करंट इज मोर, सो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स पी पॉइंट विल बी मोर. सो इफ अ कंपास नीडल इज केप्ट एट पी पॉइंट इट विल शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन. सो ए में है आउट ऑफ वन एंड टू टू. तो इसमें ये वाले केस में ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी कंपास नीडल. अब बी में बताइए आउट ऑफ वन एंड टू at which point the compass needle will show greater deflection? Yes, kaun batayega? Ab to formula aapke samne hai. Yes, Visam. 1. Isme? In the first case. Yes, 1. First case. Kyunki ab current same hai. Now, जिसमें डिस्टेंस कम है डियर मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. सो दैट इज इन द फर्स्ट केस. तो इसमें हमारा फर्स्ट केस विल बी द आंसर. ठीक है, अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चन रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट अस डू वन क्वेश्चन नाउ. एक ट्रिक है, इफ देर आर फाइव रेजिस्टेंसेस इन दिस शेप अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. इफ फाइव रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, ठीक है, देन वी इग्नोर द सेंट्रल रेजिस्टेंस. If I say find equivalent resistance between A and B, because of this connection, you won't be able to find it. ठीक है, आप इसको find नहीं कर पाओगे otherwise. आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से series में कौन से parallel में. तो if five resistances are connected in the form of such a bridge that is called Wheatstone bridge, then we will check the ratio of resistances in its arms. ठीक है, check करते हैं ratio arms में कितनी है. आप रेशो ऐसे भी चेक कर सकते हो, यू कैन चेक लाइक दिस ऑल्सो, किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो. 2/3 इधर आ गया, 4/6 दैट इज ऑल्सो 2/3. तो अगर वो रेशो इधर से सेम आ रही है तो उधर से भी सेम आएगी. दिस वे इट विल बी 2/4 1/2, 3/6 1/2. मतलब इफ द रेशो इन टू आर्म्स ऑफ ब्रिज इज द सेम, देन दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस ब्रिज होगा. In that situation, you can ignore the central resistance. अब आप central resistance को ignore कर सकते. Now you can ignore the central resistance. उसको rub कर दो. अब आपका circuit ये बन गया, बहुत simple बन गया. Now you can easily find resistance between points A and B.
हाउ, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर वो दोनों पैरेलल में. चलिए अब बताइए व्हाट इज द आंसर. यस, व्हाट इज द आंसर नाउ. यस स्टूडेंट्स, व्हाट्स द आंसर नाउ. हाँ जी सक्षम बोलो. 18/5. ऊपर कितना हुआ 2+4 6, नीचे कितना हुआ 6 9 3 9. हाँ अब 6 और 9 का निकालो, 6 × 9/15. 18/5 आ रहा है. इसी को सॉल्व किया आपने सक्षम. Did you solve this part only? चलो अगर ऐसे किया है फिर ठीक है. Okay, write the next question now. Now you will solve. तो ये कितना हुआ 6 × 9/6+9. 18/5. Yes. Now the question is, find the current drawn from the battery by the network of 4 resistances shown in the figure. चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व करते हो. First of all, find equivalent resistance of the circuit. Find equivalent resistance of the circuit and when no points are given कि किसके बीच में निकालना है, then you have to find equivalent resistance between the terminals of battery. Yes, Princy. Ma'am, आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है. कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल भी कर रहे हो ना. Yes, बच्चे रेजिस्टेंस बताइए सर्किट का क्या है. हाँ जी विषम. 10 ohm. 10 ohm कैसे किया आपने बताओ. कैसे किया सॉल्व. 10 ohm नहीं है सक्षम. आप बताओ मैम. 10 नहीं आ रहा है. कैसे किया सॉल्व बताइए. कौन से सीरीज में 10 + 10 10 + 10 और ऊपर 20 नीचे भी 20. नो नॉट लाइक दिस. सुनो ध्यान से. इसमें देखिए क्या है, आपने नोटिस नहीं किया आपके ये पॉइंट्स हैं. वही मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेन इट्स नॉट गिवन कि किसके बीच में निकालना है, तो आपको बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट. आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है. अगर यहां यहां निकालना होता फिर ये दो और ये दो लेते, अब नहीं. नाउ दिस इज वन रेजिस्टेंस एंड दीज थ्री आर इन वन वायर. तो ये तीनों सीरीज में है. 10 + 10 + 10 = 30. 30 का ये और 30 के साथ 10 पैरेलल में ऐसे आएगा. डिड यू गेट माई पॉइंट. ठीक है ये देखिए, ये 10 तो ऐसे ही रहेगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 30 हो जाएगा इनका. दिस इज वन वायर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज क्योंकि आपके पॉइंट्स ये वाले हैं जिसके अक्रॉस आपकी बैटरी कनेक्टेड है. ठीक है वो ये वाले पॉइंट्स हैं. So it depends upon those two points between which you want to find the resistance. तो अब ये दोनों पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस है.
7.5 ohm. So resistance of the circuit is 7.5 ohm, I equal to V upon R. This is your answer. देख लो एक बारी, see the solution, answer is 0.4 ohm. कोई doubt इसमें पूछ सकते हो? Yes, Tanya? ना, मैं एक बारी दोबारा समझा दो, नहीं समझ आया. हाँ देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि ये symmetrical नहीं है. अगर आपको सर्किट में करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो इफ इट इज नॉट गिवन की फाइंड बिटवीन व्हाट पॉइंट, देन यू विल सी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, यू विल फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी. तो जब हम बैटरी के टर्मिनल्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं इस ब्रिज के वो साइड वाले पॉइंट्स के बीच में नहीं निकालना, हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है, वेयर देयर इज वन रेजिस्टेंस एंड अदर थ्री आर ऑन वन साइड. मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका ब्रिज ऐसे, अगर तो ऐसे है, तो फिर इन ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 20 और 20, ये दोनों पैरेलल में, तो 10 आ जाता, ठीक है. बट दिस इज नॉट द केस. वो तब होता अगर आपकी वायर यहां से आ रही होती, वो तब होता. जब आपकी वायर यहां से आती, ये कनेक्शन, यू मीन बी पॉइंट आपका यहाँ पे है, इसका मतलब जब बी पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो फिर तो ये तीनों सीरीज में है और ये अलग से है, तो ये 10 अलग से है, ये तीनों सीरीज में है, 30 ओम हो गया, 30 और 10 पैरेलल में. अब देखिए सॉल्व कर, इज दिस पॉइंट क्लियर तान्या? तो पहले एक बार सीरीज में सॉल्व करके, फिर जो नीचे है दो वाले, उन दोनों को सीरीज में करके 20-20 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला. मेरी बात सुनो, वो तरीका तब होता, पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा. मेरी बात सुनो, वो तरीका तब होता अगर ये जो वायर है ना, ये वाला कनेक्शन ये यहाँ होता, आपके पॉइंट्स ये और ये होते, तो ये दोनों और ये दोनों आपके बिल्कुल सिमेट्रिकली डिवाइडेड होते. पर अब ऐसा नहीं है, आपका जो बैटरी का दूसरा टर्मिनल वो तो यहाँ कनेक्टेड है, जिसके बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, वो तीन अलग से लगे हैं. मतलब कि यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है आपका. तो हाउ विल यू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इसको अलग से ट्रीट करोगे, और ये तीनों एक वायर फोल्ड करके लगे हैं, तीनों सीरीज में है, तो उनका 30 हो गया, और ये 10 के साथ पैरेलल में है, 20-20 में डिवाइड नहीं हो रहे. जब ए और बी पॉइंट्स एक दूसरे को सिमेट्रिकल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे आपका आंसर सिमेट्रिकल आएगा? ओके दक्ष, इज दैट क्लियर? यस. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट डिपेंड्स अपॉन कौन से दो पॉइंट्स के बीच में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो हैव अ लुक, आंसर है 0.4 एम्पियर, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू.
Yes, next question is find out two mistakes in this circuit and give the reason. Find out two mistakes in the circuit and tell the reason. Yes, Saksham. Huh. Ma'am, voltmeter should be connected in parallel to the circuit. Ek mistake ho gayi. And second mistake, Tanya, aap batao. Ma'am, ammeter lagaya hua hai parallel mein, wo series mein. Ammeter should be in series. Theek hai. Now, who will tell me what is the reason? Why should a meter be connected in series and voltmeter should be connected in parallel? Kaun batayega? Why ammeter should be connected in series and voltmeter should be connected in parallel? Navya also raised hand. Where is Navya now? Navya, will you tell? Would you like to tell, Navya? Navya? Okay, Bisam Jyot, batao aap. Because voltmeter measures the potential difference between two points and ammeter measures the current of circuit as a whole. Why is voltmeter connected in parallel? Bisamjo, why is voltmeter always connected in parallel? You tell this. Because voltmeter measures the potential difference between two points and the No, don't come to ammeter right now. मैं सिर्फ voltmeter पूछ रही हूँ आपसे right now. Reason क्या है? वो तो हमें पता है कि it measures potential difference, but why we connected in parallel? मैम parallel में voltage same चाहिए होती है इसलिए. So थोड़ा सा partially ठीक है. अभी पूरा नहीं हुआ complete. Because Yes, Saksham. Ma'am, because wo accurate reading aayegi, wo parallel mein voltage potential difference same hi rehta hai, current same nahi rehta hai, to ammeter jo hai wo wrong readings dega agar parallel mein connect hoga. Tanya, aap batao. Ma'am, jo voltmeter hai, wo hum jab parallel mein lagate hain taki wo negligible current bhi count kar sake. और जो एमीटर है वो सीरीज में इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो करंट है वो सेम रहे थ्रू आउट. देखो कोई भी आंसर नहीं बता पा रहा. भूल गए हो ना आप, ये हमने पहले किया था ये चैप्टर. बिकॉज़ वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, सो अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू IR, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज मैक्सिमम, इट विल गिव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू रीड थ्रू अ वोल्टमीटर. तो अगर एक लाइन में इसका आंसर देना हो तो वो यही है. मेन लाइन ये है कि वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, सो इट गिव्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. सेम वे एमिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज सो दैट इट कैन गिव मैक्सिमम करंट एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज एमिटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द एमिटर and it will give us maximum current flowing through the circuit, jisko hum read kar sakte hain. Theek hai, maximum current flowing through the circuit we get from emitter. Is that clear? This is the proper reason. Theek hai, ab aap ek question hai, draw the circuit diagram showing two resistors R1 and R2 connected in series. Can you draw circuit diagram to find equivalent resistance of two resistors R1 and R2 connected in series? How can you draw that circuit diagram? Anyone? If anyone can draw, then turn on your video and show me your copy like this. First of all, anyone can draw? Raise hand. Draw or not? Bataiye. नो वन. चलो देखो फिर. इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने ओम सर्किट ड्रॉ करना है और इन प्लेस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा देने सीरीज में, देन इट विल गिव यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दोस टू रेजिस्टेंस.
यहाँ पे आपने दो लगा देने बस. यू विल कनेक्ट दीज टू रेजिस्टेंसेज इन सीरीज. तो अब ये जो आपका अननोन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से आएगा, व्हेन यू विल नोट द वैल्यूज ऑफ वी एंड आई एंड व्हेन यू विल डिवाइड इट, वो जो आर आएगा, आर इज वी ओवर आई, वो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. सो यू विल मेक जस्ट दिस चेंज, यू विल कनेक्ट बोथ द रेजिस्टेंसेज इन सीरीज हियर इन प्लेस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. And what if you want to find equivalent resistance of these two resistors in parallel? तो उसका सर्किट कैसे बनेगा? बस इन दोनों को यहीं पे पैरेलल में लगा देना. This will be the circuit. So if we want to calculate equivalent resistance of two resistors in parallel, this is the corresponding circuit diagram. बस यहाँ पे आपने change करना. तो जब आप V की current, V की reading note करोगे, I की reading note करोगे, जो resistance आएगा directly आपका RP आएगा. ठीक है? Directly आपको RP मिल जाएगा. और यहाँ पे जो reading आएगी directly आपको RF मिल जाएगा. ठीक है, यू विल गेट दीज रीडिंग डायरेक्टली. नाउ नेक्स्ट वीक देर विल बी योर टेस्ट, सो बी रेडी फॉर दैट. आपका टेस्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कंप्लीट चैप्टर. ठीक है, यू विल हैव द टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कंप्लीट चैप्टर. ओके, विच इज योर टेस्ट डे? आपका टेस्ट डे कौन सा?